अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और गोश्त। तो मैंने यहाँ लिया है 300 ग्राम गोश्त और 150 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है ये चने की दाल ली है। इसको आधा घंटा पहले से मैंने भिगा के रख दिया था, अच्छे से धो लिया दो तीन पानी से और आधा घंटा पहले भिगा दिया है। तो थोड़ा देर पहले से भिगा देते हैं तो अच्छी बनती है। तो सबसे पहले हम दाल चढ़ाएंगे, तो उसके लिए एक कुकर ले लेंगे हम। कुकर में जो दाल धो के ली है वो डाल दे रहे हैं। और यहाँ मैंने एक छोटा टमाटर लिया है, रफली चॉप कर लिया है, एक छोटी प्याज ली है, दो हरी मिर्ची ली है डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैं डाल रही हूँ, एक चम्मच से थोड़ा सा कम है, 1 टीस्पून, और थोड़ी सी 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें तेल, 1-2 चम्मच। तेल डालने का एक ही मकसद है कि दाल जो है उबल उबल के बाहर नहीं आएगी, इसलिए तेल डाला है मैंने। और एक दालचीनी का पीस, तेज पत्ता डाल दे रही हूँ मैं 2, और थोड़ा सा शाहजीरा, और इसको कवर करके। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है, कुकर को रख दिया है चूल्हे पे। इसमें हम 5 से 6 प्रेशर लगाएंगे, दाल अच्छे से गली हुई चाहिए हमें। और दाल में पानी इतना डाला है, जैसे दाल मैंने 1 कप से नाप के लिए, अगर ग्राम से देखेंगे तो ये 200 ग्राम से थोड़ी सी कम है, और 1 कप दाल है, तो 1 कप दाल में मैंने 3 कप पानी डाला है। तो इतना पानी रखना है हमें कि दाल एकदम सूखी ना हो जाए, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। तो चलिए, एक साइड में दाल गल रही है, दूसरी तरफ हम मटन बघारने की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एक पतीली ले ली है, उसमें तेल डाल लिया है मैंने 1/2 कप से, थोड़ा सा कम डाला है। गैस को ऑन कर दिया है, तेल गर्म हो चुका है। गरम मसाला डाल रही हूँ मैं साबुत, लौंग, इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ता है ये, और 1 छोटे साइज की प्याज ली है मैंने, मीडियम साइज की है। इसको अच्छी तरह से चला लेंगे, और थोड़ा सा जायफल भी लिया है मैंने, 1 छोटा सा पीस। इसको अच्छी तरह से पहले प्याज को हल्का सा पिंक होने तक फ्राई करेंगे। प्याज जो है हल्की सी पिंक हो चुकी है, अभी इसमें मटन डाल देंगे। और अच्छी तरह से चला दे रही हूँ इसको मैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ मैं, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। इसको अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, और नमक डाल रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून नमक डाला है मैंने। बहुत ही कम मसालों में, बेसिक मसालों से बना रही हूँ मैं ये। तो देखिए, अभी 2 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए, लहसुन अदरक के साथ नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से
मटन को भून लिया है, वो हमारा जितना अच्छा भुना हुआ रहेगा उतना ही अच्छा जायका आता है इसका। तो मिर्ची डाल रही हूँ मैं इसमें, 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है ये, और धनिया पाउडर 2 टीस्पून डाल रही हूँ मैं, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही में एक टमाटर है मीडियम साइज का, वो चॉप करके ले लिया है, और इसको अच्छी तरह से चला दे रहे हैं। गैस को ये टाइम पे थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, मसाले अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो हल्दी हमने दाल में भी डाली है, इसीलिए हमने हल्दी इसमें कम डाली है, क्योंकि दाल गोश्त में हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है। तो दोनों में बराबर मतलब मिक्स होके फिर बराबर आ जाएगा कलर। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे मैं, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है मैंने, क्योंकि अभी गोश्त को गलाना है। तो इसको अभी ढक्कन लगा के मैं 15-20 मिनट के लिए गलाऊंगी। पहले ढक्कन लगा के इसको छोड़ दे रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए, बीच बीच पे मैं इसको चेक करती रहूँगी, और गोश्त गलने तक हमें इसको पकाना है। कुकर का प्रेशर निकल चुका है, 5-6 प्रेशर दाल में आ चुके हैं, तो देख लेते हैं। तो देखिए दाल जो है अच्छी तरह से गल गई है, बहुत अच्छी गली है दाल, 5 से 6 प्रेशर में ही ये गल गई है। अब इसको किसी घोटे की मदद से, या तो घोट लेंगे नहीं तो बीटर की मदद से इसको अच्छे से घोट लेना है। इस तरीके से घोटने के बाद जो है मिक्स करेंगे, जब मटन जो है भुन जाएगा उसके बाद इस तरह से घोटेंगे। एकदम घुटी हुई दाल चाहिए हमें। तो देखिए 20-25 मिनट हो चुके हैं, मटन जो है भुनने लगा है, मसाला और ऑयल अलग अलग होने लगा है। तो इसको 1-2 मिनट हम और चला लेंगे इस तरीके से, और भुनेंगे इसको, और उसके बाद दाल गोश मिक्स कर देंगे एक साथ। तो देखिए अभी मटन जो अच्छी तरह से भुन गया है, टमाटर भी गल गया है, ऑयल भी अलग हो गया है। अब गैस को मैं बंद कर रही हूँ, और गल भी गया है मटन, थोड़ा सा कसर बाकी है, तो वो दाल के साथ मिलके जब पकेगा तो गल जाएगा। तो अभी इसको गैस को बंद कर रहे हैं और दाल गोश्त को मिक्स कर। तो देखिए दाल को भी हमने अच्छी तरह से घोट दिया है, और मटन भी हो गया है। अब इसको मिक्स कर देते हैं। और दाल गोश्त जब भी पकाएंगे तो पानी जो है हमें पका हुआ डालना है, कच्चा पानी नहीं डालना है दाल गोश्त में, या फिर खिचड़ा जब भी बनाते हैं तो पका हुआ पानी डालना रहता है। कच्चे पानी से दाल गोश्त अच्छा नहीं बनेगा। तो पका हुआ पानी डाल के इस तरीके से कुकर को पूरा साफ करके इसमें पलट देंगे। अब हमें कितना पतला रखना है और किस तरह का रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, गाढ़ा रखना है पतला रखना है थोड़ा दाल को। तो मैं जो इसी तरीके का रखूंगी, थोड़ा सा पानी और ऐड करूंगी मैं इसमें। और बस ये पॉइंट पे जो है इसका नमक टेस्ट कर लेंगे, और नमक अगर कम लगेगा तो उसमें नमक ऐड कर सकते हैं हम। देखिए अभी चूल्हे पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दे रहे हैं, और इसमें गरम मसाला डालेंगे, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा सा कम होगा ये। और गरम मसाला डालने के बाद इसको 10 मिनट पकाएंगे, अभी सिलो पे ढक्कन कवर करके सिलो पे रखूंगी मैं इसको 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो कुकर में ही बना सकते हैं दोनों चीज़ें, दाल को अलग बना लें और मटन को अलग गला लें कुकर में, फिर दोनों को मिक्स कर दें। और एक साथ नहीं गलाते हैं, दाल और मटन को एक साथ गलाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा,
तो इसलिए अलग अलग गलाना है। मैंने पतीली में गलाया है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप कुकर में बनाएंगे तो अलग अलग बनाइए, दाल अलग और मटर अलग, तो फिर जल्दी बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट। तो देखिए ये हमने एक छोटा सा फ्राई पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है, और ये मसाले लिए हैं, जीरा लिया है 1 चम्मच, और 10-12 दाने काली मिर्च के लिए हैं, और 4-5 लौंग लिए हैं। इनको ड्राई रोस्ट करके हम एक मसाला बनाएंगे इसके ऊपर से डालने के लिए, दाल गोश्त के ऊपर से। ये मसाले का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जैसे ही खुशबू आने लगेगी तो इसकी खुशबू अच्छी रहती है। पहले से बना के रखेंगे तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल गोश्त का, मेन ऊपर से छिड़कने वाला मेन मसाला है ये, इससे बहुत ही अच्छा मज़े का तैयार होता है। तो चलिए इसको ठंडा करके पीस लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं दाल गोश्त को पकते हुए, चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है और दाल भी पक गई अच्छे से, मिक्स हो गया बराबर से, ये गोश्त अच्छा गल गया है। अब इसमें आपको अगर पसंद है ज़्यादा तीखा तो थोड़ी मिर्ची डाल सकते हैं। मैं यहाँ 2 मिर्ची डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो जो मसाला पीस के रखा था हमने, अभी जो मसाला बनाया था रोस्ट करके, वो डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा। अब इसको जो है चला देंगे अच्छी तरीके से, एक बार मिक्स करेंगे, गैस को ऑन ऑफ कर देंगे। दाल गोश हमारा सर्व करने के लिए रेडी है एकदम। तो दाल गोश हो गया है रेडी, मैंने उसको सर्व कर दिया है। आप इसको चावल या रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन लगता है ये खाने में दाल गोश, और एकदम सिंपल तरीके से मैंने बनाया है बहुत कम मसालों के साथ। बनाइए आप एक बार, ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा बनता है। तो इसी तरह की अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।